मैंने एक प्लेट स्वीट कॉर्न दाना लिया है। ये जो स्वीट कॉर्न दाना है ये डीप फ्रिज में रखा जाता है ताकि ज़्यादा देर तक चल सके। इसे मैं एक पैन में डाल देता हूँ और गैस शुरू करके इसे गरम करके अच्छे से सुखाना है। ये देख लीजिए, अच्छे से पानी निकल रहा है, जो आइस था वही पानी निकल रहा है। ये देखिए अच्छे से सूख चुका है ये। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल देता हूँ। बर्तन में निकालने के बाद इसमें हम आरारो डालेंगे, जिसे कॉर्नफ्लोर कहते हैं। एक चुटकी नमक और एक चुटकी वाइट पेपर और एक चुटकी ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करके उसमें ऑरेंज रेड कलर थोड़ा ऐड करना है और अच्छे से मसल देना है। इसमें मैं थोड़ा सा और कलर लूँगा। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके अभी इसमें ऑयल में उसे डीप करना है। ये देखिए अच्छे से डीप हो रहा है। डीप करना है फ्रेंड अच्छे से क्रंची होते तक के। ये देखिए झारने में ऐसे आवाज आए, ऐसे इसे जाली में निकाल लेना है। एक पैन में गरम वाला बटर ले लेते हैं, उसमें हरी मिर्च चॉपिंग और लहसुन चॉपिंग ऐड करके उसे अच्छे से चलाना है, अच्छे से फ्राई करना है उसे। और जो हमने कॉर्न फ्राई किए थे आरारोट कोटिंग करके, उसे ऐड कर देना है यहाँ। अब ऐड करना है नमक, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। मैं यहाँ थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर देता हूँ और हरा धनिया भी ऐड करना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है प्रॉपरली। आपकी कॉर्न क्रिस्पी रेडी हो चुकी है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल कर रेडी कर देता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं लगी तो डिसलाइक बटन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।